टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए बजट बहुत सराहनीय बजट है। आने वाले दिनों में पिछले वर्ष भी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष ध्यान दिया गया था, इस वर्ष भी ध्यान दिया गया। लोगों को ये थी, हम लोगों को भी था कि 5 राज्यों में चुनाव है, तो कुछ चुनाव को देखते हुए साधारण और मध्यम वर्गीयों को डायरेक्ट बेनिफिट, जिन चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है उन चीज़ों पर कुछ लगाम लगाने के लिए बजट आएगा, मगर धरातल पर ऐसा नहीं दिख रहा है। दूरगामी बजट है और आने वाले दिनों में लगता है कि जो केंद्र सरकार जिस विज़न से काम कर रही है, देश को इसका ज़रूर फायदा होगा, समय लगेगा। आज तो बजट इज अ डेवलपमेंट बेस्ड बजट, परंतु एमएसएमई इंडस्ट्री जोटा मुँह अच्छी और ये संस्थाटा आम अच्छु आमर अपेक्षा हिसाब से बजेटा आसीनी। आम भाभी कि जमती लास्ट सेकेंड पैंडेमिक सेकेंड वेव रे जमी एमएसएमई को 20% लोन रो दिया ही कि कैश फ्लो को बढ़ा हम यही थर्ड वेव पर किसी गवर्नमेंट करेंगे, परंतु सेटा हो पार्लानी। आ जोटा रॉ मटेरियल रो प्राइस बढ़ी बढ़ी चली, एमएसएमई इंडस्ट्री करना, ट्रांसपोर्टेशन रो रेट बढ़ी चली, डीजेल रो प्राइस बढ़ी चली, से हिसाब से जो प्राइस वॉर चली जोटा एंड पब्लिक उपर पड़ू, तो ताऊपर किसी आम सुनी पार्लु ना। और अनएम्प्लॉयमेंट पाई भी जदि एमएसएमई चलो अनएम्प्लॉयमेंट रो प्रॉब्लम टा सॉल्व हो, परंतु एज एन एमएसएमई इंडस्ट्रियलिस्ट वी डोंट फाइंड एनीथिंग फेवरेबल फॉर द इंडस्ट्री ए बजेट।